कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर विरोध कर रहे कश्मीरी प्रोफेसर पर हुई एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को रद्द कर दिया है। एफआईआर को रद्द करने के पीछे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिसका महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक कॉलेज में पढ़ाने वाले कश्मीरी प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम ने सरकार के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के फैसले की आलोचना की थी और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए काला दिवस बताया था। इसके साथ ही उन्होंने 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान के लोगों के लिए खुश आजादी की कामना की थी। वहीं इस मामले पर दुश्मनी और वैमनस फैलाने का आरोप लगाते हुए प्रोफेसर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इसे प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहते हुए प्रोफेसर पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नागरिकों को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आलोचना करने का अधिकार है। 5 अगस्त को काला दिवस कहना विरोध और दर्द की अभिव्यक्ति है, साथ ही पाकिस्तान के लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस कहना एक अच्छी भावना से किया गया काम है। इसमें कहीं भी वैमनस्यता, नफरत और दो वर्गों के बीच दुश्मनी बढ़ाने की भावना नहीं दिखती। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि भारत का संविधान आर्टिकल 19(1)(a) के तहत वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उक्त गारंटी के तहत प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 370 को निरस्त करने समेत सरकार के हर फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। उन्हें कहने का अधिकार है कि वे सरकार के किसी भी निर्णय से ना खुश हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।